मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि असी पंजाब दे विचों भ्रिष्टाचार नूं पूरी तरह खत्म कर दिता है। उन्होंने कहा कि असी भ्रिष्टाचारियों नूं नत्थ पाउण लई भ्रिष्टाचार विरोधी हैल्पलाइन नंबर जारी किया, जिस तों बाद 500 तों वध भ्रिष्ट अधिकारियों कर्मचारियों ते आगूआं विरुद्ध कार्रवाई की गई। हुण भ्रिष्ट लोगों के मन च एक डर है। दरअसल असाम दे विच एक जनसभा नूं संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री मान ने भाजपा कांग्रेस ते निशाना साध्या, कहा असी दूजियां पार्टियां दे आगूआं वांग सत्ता चोण तों बाद पार नहीं करते, असी लोग भलाई ते विकास ते काम करते हैं। उन्होंने कहा कि असाम च पहले 5 साल भाजपा ते कांग्रेस इकट्ठे राज करते सी, हुण इत्थे भी लोगों के कोल दिल्ली ते पंजाब वांग आम आदमी पार्टी के रूप च एक ईमानदार ते चंगी पार्टी का विकल्प है। उन्होंने कहा असी पंजाब च बिजली मुफ्त की है, अज 90% तो वध घरां दे बिजली बिल जीरो आ रहे हैं। असी पंजाब च गरंटी दी सी कि सरकार बनन ते हर पिंड च मुहल्ला क्लीनिक खोली जाणगे, तो 1 साल के अंदर 500 तो वध मुहल्ला क्लीनिक खोले गए। इस तों इलावा 1 साल के अंदर पंजाब के 28,472 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दित्तियां। मान ने कहा भाजपा वाले नफरत दियां गल्लां करदे ने, असीं स्कूलों ते हस्पतालों की गल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को नवा रूप दिता, अंतरराष्ट्रीय पद्धत के स्कूल बनाए। पंजाब विच भी असीं स्कूलों की कायाकल्प करनी शुरू कर दी है। हुण प्राइवेट स्कूलों के बच्चे उत्थों नाम कटवा के सरकारी स्कूलों दाखला लै रहे हैं। अज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ते वड्डे अफसर बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सिक्ख्या ते सेहत क्रांति तो डरी हुई है, इसलिए उन्होंने दिल्ली के सिक्ख्या मंत्री सिसोदिया ते सेहत मंत्री सतेंद्र जैन साजिश तहत झूठे केस फसा के जेल च डक दिता है। मान ने प्रधानमंत्री मोदी ते निशाना साध्या, कहा नरेंद्र मोदी बचपन च रेलवे स्टेशन ते चाह वेचती सी, सरकार बनन तो बाद उन्होंने रेलवे नूं ही वेच दिता। वो शायद भुल गए कि लोकतंत्र विच जनता किसी नूं भी अर्श तो फर्श ते लिया सकती है। मुख्यमंत्री मान ने असाम के लोगों को अपील की है कि वह आम आदमी पार्टी को एक मौका जरूर दे।